हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मलेशिया जॉब वैकेंसी के बारे में। अब इस वीडियो में खास क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, वो बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहले तो जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको जो वर्क लोकेशन है वो लाइव दिखाऊँगा। मीन्स वहाँ से जो वीडियो आई है जहाँ पर आपको काम करना है, वो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो ओनर है जो इसके लिए हायर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से वीडियो भेजी है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ में आपको एक जो इनकी तरफ से वीज़ा लग चुका है अभी, तो वो भी दिखाऊंगा, और इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी बताऊंगा। साथ साथ व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर भी आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट हायरिंग है कोई, मतलब हाँ, इसमें एजेंसी भी है इन्वॉल्व, बट जो इसका सर्विस चार्ज है वो काफ़ी कम है। आप खुद से भी बात करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस जॉब वैकेंसी के बारे में। मलेशिया के लिए है, और मलेशिया की जो करेंसी है वो है मलेशियन रिंगिट, ठीक है। तो मलेशिया में जो जॉब वैकेंसी है वो है टेलर्स के लिए है। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही चाहिए, ठीक है। और जो भी इसमें अगर बात करें पोस्ट, तो तीन तरह की पोस्ट रहेंगी इसमें। एक तो टेलर मास्टर की, दूसरी रहेगी कटर, और तीसरा रहेगा पैकिंग के लिए, ठीक है। तो तीन तरह की जॉब पोस्ट रहेंगी, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी 2500 रिंगिट, वो भी तब अगर आप केवल 26 दिन ही काम करते हो। वर्किंग आवर्स रहेंगे 12 आवर्स, ठीक है। और ओवर टाइम अगर आप करना चाहते हो तो ओवर टाइम यहाँ पर अलाउबल है। और अगर आप संडे भी लगाते हो, ओवर टाइम करते हो, तो जो सैलरी है वो 3200 रिंगिट, मलेशियन रिंगिट प्लस में चली जाती है, 3200 से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको यहाँ पर ओवर टाइम करना है या नहीं। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, तो फैसिलिटीज़ जो आपको यहाँ पर दी जाएंगी वो है, सबसे पहले तो आपका जो है एकोमोडेशन इनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। किचन के जो बर्तन वगैरह या जो भी इक्विपमेंट्स हैं आपको खाना बनाने के लिए जो लगते हैं, वो भी इनकी तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। और मेडिकल और इंश्योरेंस, इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें इनकी तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप वो वीडियो देख लो जहाँ पर जो वर्क लोकेशन है कैसी है, उन्हीं की वॉइस में होगी, और आप वीडियो देख लो, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, की हाल चाल है? नाम की अपना भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई साहब, मोहम्मद भाई साहब, थोड़ी जी सानू मालूमात दे आज। हांजी, काम दे बारे च? काम शुक्र है, मर्जी का काम करीदा, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, रोटी रोटी पानी जानी पकानी खानी, बड़ा मजा है जी। बकरा खाओ, मोटा खाओ, जो मर्जी खाओ। अच्छा जी, बेहतरीन निजाम है। सामने किचन, ठीक है। बड़ा मजा जी, बड़ा अल्लाह का करम जी, सुकून जी। अच्छा जी, बेहतरीन है। मर्जी ना काम करने, मर्जी ना उठने या सोने। अच्छा, कोई कहे नहीं, मतलब इस तो अलावा कोई और मसला मसला? कोई किसी किस्म का मसला नहीं, ठीक है। कोई मसला ही नहीं, इजी काम है। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ੀ ਕੰਮ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੈਸ਼ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਕਿਚਨ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਲੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਚਨ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, हर चीज़ है जनाब। हाँ, छोटी जी फैक्ट्री जे, इतें ही बहना बंद, कोई थानू टो रोक टोक नहीं, कोई थानू कोई, मतलब कोई थानू कोई गल नहीं करेगा, सब कुछ वेख लवो तुम। इतने छोटी जी टीम है, घर वाला सिस्टम जो सारा। हाँ, ओके जी। ये देख मान, अभी 6 बजा है, ऊपर में देखो टाइम दिखाए। हाँ, ये देख, ये आदमी रोटी बना रहा है, सब लोग स्कूल से बैठ गए।
बस ऐसे ही ना जैसे घर वाला सिस्टम है ना वैसे ही सिस्टम है, कोई भी नहीं है अभी, देख रहा है। हाँ ये मशीन का काम है सिर्फ, सही है। सब कुछ ये देख लो। ले मान भरावा आ वेख ल, आ सिस्टम ही इन्ना को ठीक है। बहुत सारा वेख ला घर वाला हिसाब ही, सारे घर आ रही जिम्मे लम्बे पे आ वेख लै, ऐ भाइये बैठे है सारे ठीक है। इधर ऐ इधर प्रेस प्रूस होंगे जी ठीक है। ऐ इतें ही रोटी पानी का सिस्टम है नाल ही, फ्रिज फ्रुज सब कुछ इतें ही पे, वाशरूम सब कुछ है। इन्नी हुआ ठीक है बाबे, काम बड़ा वधिया ही ठीक है। घर वाला माहौल ही सारा इतें ही नाल ही आ रहे, अंदर च सोना सोना ही। और एक जो वर्क वीज़ा लग चुका है वो भी आप देख सकते हो ठीक है। तो ये है ठीक है। उसके अलावा आप अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हो कैसे अप्लाई करना है, तो आपको स्क्रीन पे नीचे ठीक है व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों ही मैंने दिए हैं, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी इनसे ले सकते हो ठीक है। तो ये थी वीडियो, मलेशिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, काफ़ी कम खर्च में है। जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें कोई भी नेशनलिटी का के लोग अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेशी हों, नेपाली हों या इंडियंस हों, सभी तरह सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ECR ECNR दोनों तरह के पासपोर्ट इसमें चाहिए हैं, और एज लिमिट की बात करें तो 42 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है 42 ईयर्स ठीक है। इसमें जो हायरिंग अथॉरिटी यानी कि जो ओनर है वो पाकिस्तान से हैं, तो आप बाकी अगर आप कुछ खुद से रिसर्च करना चाहते हैं या खुद से कुछ कंफर्म करना चाहते हो तो आप खुद से इनसे पता कर सकते हो। इन्होंने मुझे डायरेक्ट जो कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे किया था, उसके बाद इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे जो है ये सारी डिटेल्स दी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो ठीक है। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए मलेशिया से, मलेशिया जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।